अभी फ़िलहाल हूँ मैं कश्मीरी गेट ISBT और एक और यात्रा के लिए तैयार है। अभी फ़िलहाल हूँ मैं कश्मीरी गेट ISBT और एक और यात्रा के लिए तैयार है। साथ में मेरा एक साथी है, मित्र कुछ इस तरीके से दिखता है, बड़ा सुंदर बनाया हुआ है बट मेंटेनेंस थोड़ी सी बहुत ज़्यादा है यहाँ तो, इसलिए दिक्कत है। बस ढूंढने के लिए भटक रहा हूँ मैं। एक्चुअली टिकट पहले से नहीं कराया था, कल ही प्लान बना है और अभी कहा तो ये जा रहा है कि थोड़ी देर में मिलेगी बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि AC बस ही मिले और स्पेशली सरकारी बस ही मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। वक्त हो रहा है इस समय तकरीबन 11:21 बट दुखद बात ये है कि ये सरकारी कर्मचारी काम करने शर्मनाक बात है, वो बता देता हूँ कि सरकारी कर्मचारी जो है काम करना जानते नहीं, उनको इतनी ज़्यादा दिक्कत है काम करने में। उनकी सैलरी आ रही है, सब कुछ आ रहा है, जनता के सेवक है पर सेवा करने का जो है शायद ये भूल चुके हैं कैसे काम होता है या क्या करना है। मतलब सीधे मुँह जवाब दे के राज़ी नहीं है किसी चीज़ के लिए। तकलीफों भरा रहा है भाई सफ़र ना, और अभी किसी ढाबे पे रुके हैं, फ्रेंड्स ढाबा करके है, ये 20 रुपये की चाय है और ये कुछ मिक्स पकौड़े हैं, 50 रुपये की प्लेट है कैसा वो आप समझ सकते हैं। और भूख भी बहुत लगी है, थक आप चीज़ें इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं आज, बड़ा संघर्ष भरा ट्रिप रह रहा है। अभी तक बस मिली नहीं, टिकट नहीं कराई, प्री बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई तो जो है बहुत बड़ी दिक्कत लगी मुझको, बहुत उसकी वजह से 2-3 घंटा बहुत परेशान होना पड़ा। आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा मतलब लोगों का आना जाना इतना था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, कोई सीट खाली नहीं थी, तो ऑर्डिनरी बस में आ रहा हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है 2:30 या 2:45 के करीब, काफ़ी लेट हो चुके हैं। सुबह मेरे ख्याल हम लोग पहुँचेंगे यही कुछ 6:30 तक, सुबह मिलता हूँ आपसे। ये चीज़ गंदा सा खाना खा के, अब खाना पीना हो चुका है मेरा और बाद में एक दाल और रोटी भी मंगवाई थी बट सब कुछ जो है प्राइस जो है ऊपर ही है चीज़ का, 20 रुपये की चाय पकौड़े ठीक है पर अगर आपने प्राइस ऐसा रखा है तो बट उसका क्वालिटी भी उतना रखिए। और ये प्रिंस रेस्टोरेंट है कोई करके ठीक है, मतलब इतना अच्छा भी नहीं है बट पेट भरने लायक है कि आप उतना कर सकते हैं। हरिद्वार की गई तो थी भाई जी, ये कैमरा है बस ऐसी है। तो ये हमारे कंडक्टर साहब थे, वक्त हो रहा सुबह 6:30-6:15 के करीब और बस हो गई हमारी ख़राब हरिद्वार से पहले। अब कंडक्टर साहब हमारी मदद कर रहे हैं हमको थोड़ा ऋषिकेश तक पहुंचाने की। सुविधा आ चुकी है, बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है, जाम फंस चुके हैं, इनसे लिफ्ट मांग के देखते हैं। आपको बस दिखाऊँ अगर कि ऑर्डिनरी बस किस तरीके की होती है, खैर बहुत लोगों ने देखी होगी पर ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखी होगी। अभी मौका अच्छा है कि खाली है बस, कुछ इस तरीके से सीट होती है इसकी, ये बोनट खुला पड़ा है इसका, इधर 3 सीट्स होती हैं, इस रो में 2 सीट्स होती हैं, तो सीट ज़्यादा
कंफर्टेबल तो नहीं है, और हालत देख सकते हैं आप। 275 रुपये का टिकट था इसका, और खैर ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। थोड़ा सा कंडीशन ठीक रहे, अगर हल्का सा सेफ्टी का थोड़ा सा ध्यान रहे, पर अभी तो खैर सिचुएशन कुछ इस प्रकार है कि अभी हमको मदद की ज़रूरत है। अब हम कुछ 6-7 लोग बचे जो मदद बेचारे ढूंढने के लिए सड़क पर खड़े हुए सुबह सुबह, और अभी तक हम हरिद्वार भी नहीं पहुँचे। मैं हरिद्वार और देवभूमि पर आपका सबका स्वागत है, और मेरा भी। अब यहाँ से दिक्कत हुई है तो आपको ऋषिकेश पहुँच के बताता हूँ। बड़े संघर्षों के बाद और बड़ी सारी दिक्कतें और सब चीज़ों के बाद फाइनली ऋषिकेश पहुंच गए। खैर मैं पहले भी आया हूँ ऋषिकेश, पर इतने एफर्ट्स लगा के जो है पहली बार आया हूँ। खैर कोई नहीं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहती हैं ट्रिप में, और ये एक पार्ट है जो कि ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अच्छी बात है अपने ही देश में हो गया, तो आगे के लिए जो है कैसे अब ऐसी सिचुएशंस के लिए प्लान करना है या कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, ये सब चीज़ें पता लगती हैं। उनका पेट्रोल ख़त्म हुआ, वहाँ से उतरना पड़ा, पहले बस नहीं मिली दिल्ली से, बहुत सारी दिक्कतें होते होते। उसके बाद उन्होंने हमको दूसरी बस में चढ़ा दिया, जिसमें हम सिर्फ हरिद्वार तक आए, वहाँ से फिर हमको दोबारा से बस लेनी पड़ी अपने पैसे खर्च करके। तो अब जा कर के मुझको अपने रहने की जगह ढूंढनी है, मैं और मेरा फ्रेंड कहाँ रहेंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, कोई टेम्पो वेम्पो देखते हैं जो कि उनको सवारी पे लेके जाएंगे। दस रुपए की टिकट लीजिए और गंगा जी पार कर लीजिए 10 रुपए में। फाइनली जिस जगह मुझे पहुंचना था उसका नाम है परमार्थ निकेतन, और अभी पता नहीं मैं यहाँ रुक रहा हूँ कि नहीं, बट अभी यहाँ ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़ोरों की, और फिर अपने लिए जगह देखनी है और सोना है सबसे पहले।
चुके ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं, 6:30 7:30 7:30 एक्चुअली, और थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो सोना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सोया बिल्कुल भी नहीं था मैं। और बिना सोए आपको जो है ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं पूरी तरीके से। अभी मेरे दोनों कंधों में दर्द है काफ़ी, क्योंकि बैग उठाया भारी, यहाँ पता नहीं लाइट कैसी होगी, मेरा कैमरा लो लाइट परफॉर्मेंस इसका इतना अच्छा नहीं है। तो फिलहाल आज का दिन सिर्फ आराम 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 में निकल गया, और बड़ा सुंदर है, मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, ये पीछे ये है राम झूला। यहाँ पे दो फेमस हैं बड़े, राम झूला लक्ष्मण झूला। तो बस अभी यहाँ पे यहीं का आनंद लूँगा, बैठूँगा, और एक्चुअली आया मैं ऋषिकेश हूँ अपनी डॉक्यूमेंट्री शूट करने, तो सोचा कि साथ में ब्लॉग्स बनाऊँ तो अच्छा है और सब कुछ रिकॉर्ड करूँ, तो एक मेमोरी के तौर पे भी अच्छा है, और दूसरा ब्लॉग्स तो खैर दे रहे हैं, अब कोशिश करूँगा कि थोड़ा रेगुलर हो जाऊँ। और अभी भी मेरी आवाज़ जो है बड़ी स्लीपी स्लीपी सी लग रही होगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, बट कल से अपना काम शुरू करेंगे और अच्छे से थोड़ा एक्सप्लोर भी करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आरती वगैरह हो रही है, यहाँ बड़ी फेमस आरती है परमात्मा की, तो आप लोग आ सकते हैं वहाँ पे भी जाके आप एंजॉय कर सकते हैं आरती को, बड़ा अच्छा एक माहौल क्रिएट होता है। और वैसे खैर आरती हर जगह ही नॉर्मली आपको हर जगह मिल जाएगी आपको, मेरे पीछे फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट, कहते तो हैं कि काफ़ी अच्छा है, खाना पीना अच्छा है और बड़ा फेमस है, नाम तो बहुत है, चोटी वाले बाबा जी भी बैठते हैं। ऋषिकेश में आपको हर ये स्टोर है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और सब चीज़ें ईजिली अवेलेबल हैं, आपको सारा सामान मिल जाएगा, और शॉपिंग के लिए तो खैर बहुत अच्छा है। बात खैर पहला दिन है, अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब यहाँ से डिनर के लिए देखता हूँ मैं कहीं पे खाना पीने के लिए कोई ठीक सी जगह जहाँ पे थोड़ा सस्ते में हो जाए एक्चुअली, क्योंकि ये जो है टाइट बजट पर रहेगा मामला, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री जो शूट करनी है उसके लिए भी पैसे जो है चाहिए और ज़्यादा है नहीं,